गांव कुठार का सभी दर्शकों ते नमस्कार भाई बहनों। टीम गांव कुठार को प्रयास रहेंगे कि आप तक उत्तराखंड की हर खबर पहुंचे जाए, कण कण उत्तराखंड जख भी। बाकी का कैमरा नहीं जाना, वो गांव कुठार टीम को कैमरा जान दो और आप तक वही खबर थे हम पहुंचा दा छो, वही बात थे हम पहुंचा दा छो। आज कुछ ही नहीं विशेष मुद्दा छे जो बार में हम बात करना कौन है। आज बैठा छो आप लोगों का समणी हमारे दगड़ में दुई मेहमान छे, मेहमानों को परिचय में आपसे करा दू। पीसी थपलियाल जी छे मैणा गाँव का, ये सैनिक कल्याण समिति का महासचिव छे। थपलियाल जी आपको स्वागत छे ये कार्यक्रम में। धन्यवाद। हमारा दूसरा मेहमान छे सुरेंद्र सिंह पांगती जी, एक महान हस्ती छे, आईएएस ऑफिसर छे, जब उत्तराखंड निभाण चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार में द्विधा कमिश्नर चाहे एसडीएम डीएम रहनी, शासन और प्रशासन की पूरी जानकारी रख देना। आपको भी स्वागत छे गांव कुठार में। आप पांगती जी थे पहचान दे छो? अरे कोनी पहचान दो, घरों को ढूंगू और धार बटे कर गदरों बटे हर डालो बटे सब पहचान नहीं होते। उनको जब बटे वो मतलब आईएएस बनी ना सर्विस ही पे पार्ट हमरा, वो सबसे पहली एसडीएम बनी वो उतर जोशी मठा का, और वहां बाद डीएम बनी डीएम हमारे टीरी का। जब नरेंद्र नगर में टीरी को हेडक्वार्टर छायो तब टीरी का डीएम छाया आप यक, और वहां के बाद आप गढ़वाल कमिश्नर दुई बार रहना, और आप डायरेक्टर जनरल टूरिज्म रहना, और आप मतलब एपीसी उत्तर प्रदेश बड़े रिटायर हुई ना, लेकिन वहां चले पहली आप जो मिनी सचिवालय एक बन था राज्य बनने के बाद, जब हमारे राज्य में उत्तराखंड आंदोलन करना छाया तो पांगती साहब सरकार बटे आंदा छा वक हमारे वार्ता करना खोने दिल्ली में, जब गृह मंत्रालय में वार्ता हो चाहिए, और तब जब मिनी सचिवालय का जो पहलू जल ये पूरी रूपरेखा भूमिका जो व्यक्ति बढ़ाया इन व्यक्ति थे मैं नमन कर दू। वो तो थे तो वो तो इतना पहाड़ को ज्ञान जो तो दुर्भाग्य की सरकार का भी पूछा नहीं थी, वो कोई बात नहीं ना पूछे दी। सबसे पहले सवाल में थपलियाल जी आपसे ही पूछना चाहूँ कि जन ये कोरोना की महामारी चनी चे, और ये महामारी का वजह से हमारा बहुत से लोग अब पहाड़ों की तरफ दिखन बैठ गए, कम से कम 40-50 हजार युवा तो उत्तराखंड में पहुंच गए। अब सवाल ये हो कि उत्तराखंड में तो पहुंच गए नहीं, मगर यू को सेटलमेंट कन के बोल किले कि जब वो माइग्रेशन करी एक भटक गए छाई कि उत्तराखंड में कुछ भी नहीं छाई और रोजगार की तलाश में वो गए न, अभी कोरोना की महामारी का वजह से वापिस आएगी न। अब उत्तराखंड में अचानक ये रोजगार कनके वालो, अरे इतका नौजवान जो जाना छे ना, अरे भी तो सिर्फ 40-85 हजार छे न, 1,30-35 हजारों को रजिस्ट्रेशन करूं चो, और बाकी बहुत इनसे ने जो वापिस जाना चाहिए। तो कुल मिले कि जब तक ये कोरोना चलू जो मिथे लगन चो कि अगर मैं आइडिया लगाऊं तो कम से कम 2.5-3 लाख ऐसे शायद ये से भी ज्यादा लोग उत्तराखंड में वापिस जाला, तो क्या सेटलमेंट वो हालियों को और सरकार की तरफ से छेंच कुछ उम्मीद? अब ये चिंतम कतको दिन बटे बैठू छो भी, ये भगवान सभ्य लोग यख बटे हमारे यख रघुवीर बीट जी ने ना वो वखा छी धुमाकड़ साइड का वो बब्बा वो भी वो पांग दी जी लग्या नहीं सोच मा कि हम कन के रिसेटलमेंट कर ला। जो भी यख का सामाजिक संगठन का लोग छी ना, जो सामाजिक कार्यों में लग्या छी जो लोग, वो की रात के दिन मतलब बिल्कुल रात की नींद हराम हुई छा और दिन में चैन हराम हुई। ब ये सोचना छे ना कि कन के वालों सेटलमेंट किले कि हमारे तो पास ही ना सरकार चा, जय सरकार अगर लोग कभी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं कुछ ना, माँ बाबू की बिल्कुल जय जोदार वो बने आचे हमारे बाके भी दाता ऊँ बस है क्या चा पर्ची बैठक बैठी चाहिए कि साहब वो लोग आला के कलबल ऊँ घुड़े बला वो कलबल या उद्योग क्वाला लबल और उद्योग बल 25 लाख लोन ले आला वो, और 25 लाख बल 5-6 लाख बनी उधर सब्सिडी दूला और तब जाके ये उद्योग खोलना को प्रोत्साहित वाला। पर ये छुचा हो तो उद्योग तो थोड़ा बहुत ज्ञान हो जब कभी पहाड़ी हम लोग कैसे कभी उद्योग, हम तो सर्विस क्लास लोग रहा हूँ और हम हमको हम जो हम इन सोचना चाहो कि बांधे पकड़ो थे हम दोबारा कई लोग बना चाहिए सब खेती कर अरे खेती कन के करना कि बांझ पुड़े छे ना, और हर हमारा जो जितका पुकड़ा छे ना डाल डर बनना दिन ये कानून इंच की डाल कटन माने आफत वो बांदर मनु माने आफत। अभी मान से सरकार ने देखा उन बांदर मनो भी ऑर्डर दियो छा, वो सुंगर बनो भी ऑर्डर दियो छा, वो मतलब डाला कटन जो हमारे डाला छिना हमारे जग सगड़ बिकना छिना हमारे गांव के लोग, तो वो मैना तो सगड़ हम एक तरफ मेरा दादा बैठी हूँ सर है एक तरफ सगड़ मेर बहु बैठी
और जिसे अगर जरा भी जाना चाहिए डालम बड़े बांध रहना चाहिए ना प्याज खा जाना चाहिए तो ये करके कर वो मतलब भारी आप जंगली जानवरों को जो परेशानी हमारे गांव में क्रिएट करी था ये भगवान ही सरकार के जरना आज पौड़ी पूर्व हमारे खाली हो गया सबसे ज्यादा प्लान पौड़ी बैठे हुआ है और जब पौड़ी आला तुम उसे जब बांझा खेत में लला तो बगोर जी इन वाला तुम लोग बांझा करके करी बोला और कभी वो तो होटलों बटे आज ज्यादातर ज्यादा हम फौज में बटे हुआ ना हमारी हिम्मत भी नहीं पोड़ भारे ऊन पुगड़ो देखने की जबकि हम बड़ा बड़ा मतलब इन बोली साहब फौजी आदमी लेकिन बे मेरा बाबा इन रगड़ बगड़ बन गई वो कि ना पंक्ति जी मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि भैया ये लोग जो आना चाहिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था बेली होगी अभी मैं किसी थपलाल जी को सुन रहा था जी जी उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि ये जो बाहर से आ रहे हैं उल्टी पलायन चली हुई है ये उद्योग लगा है प्रति क्षेत्र तो हमको सोचना पड़ेगा कि उद्योग की कौन कौन संभावनाएं प्रति क्षेत्र में हैं क्या हम ये उद्योग जो छोटे छोटे 25 लाख में छोटा सा उद्योग लग सकता बहुत बड़ा उद्योग नहीं लग सकता क्या ये छोटे छोटे उद्योग में इन लड़कों को जो बाहर से आ रहे हैं बेरोजगार इनको वो उद्योग में लगा सकते हैं क्या उनके हाथ में उद्योग पनप सकता है अभी आपने कहा कि उद्योग में उनको कहा जा रहा है कि इनको 25,000 रुपया देंगे 6,000 रुपया इनको 25 लाख देंगे 6 लाख रुपया इनको अनुदान दे देंगे इसमें तो बहुत छोटी मोटी इकाई लग सकती है लेकिन साथ ही साथ में जैसे मीडिया में पढ़ रहा हूँ आजकल यहाँ के जो बड़े बड़े जो थे खनन के बड़े बड़े माफिया थे वो आजकल खुश हो रहे हैं कि हमें खनन की इजाज़त मिल गई तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में अगर इन नवयुवकों को खनन के लिए परमिट दे दिया जाए तो अपने गाँव में जहाँ संभव है आप छोटे छोटे इकाई लगाओ और सीमेंट ब्लॉक के छोटे छोटे इकाई लगाओ उससे और वहीं आपका वहीं गांव में बिक जाएगा लोग मकान बनाएंगे तो वहीं से ले लेंगे ऐसे उद्योग लेकिन उनको नहीं दे रहे किसको दे रहे हैं जो बड़े बड़े खनन हैं खनन के माफिया हैं जो पहले चले आ रहे थे जिनको पलायन की कोई समस्या नहीं जिनको बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं उनको दे रहे हैं तो ये अपने लोगों की चिंता नहीं है उनकी चिंता ज्यादा है जो खनन के लिए बड़े बड़े माफिया खुश हो रहे हैं आज मैंने मीडिया में पढ़ा इसके अलावा जो दूसरा एक बहुत बड़ा उपाय है पर्वतीय क्षेत्र में वो है जैविक खेती और जैविक पदार्थों की मैं एक साधारण उदाहरण देता हूँ खेती की बात तो समझ में आता है हर कोई समझ सकता है जैविक खेती किसको कहते हैं लेकिन हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र में जो पानी है हमारे स्रोतों को पानी है वो जैविक पानी है आप यहाँ देहरादून में जबकि देहरादून आधा पहाड़ी है यहाँ अगर ट्यूबवेल खोदो उस ट्यूबवेल के पानी से केमिकल आता है उसमें वो शुद्धता है ही नहीं आप उसमें जो कोका कोला बनाते हो उसमें 5% 3% केमिकल आता है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारे जो पानी के स्रोत हैं जो बहते रहते हैं वो पानी अपने आप में इतना शुद्ध है कि उसमें केमिकल हो ही नहीं सकता हमारे काश्तकार जो पर्वतीय क्षेत्र में कितना भी केमिकल अपने खेत में डाले वो पर्वतीय क्षेत्र में बहाव इतना है पानी का वो निकल के निकल जाता है तो वहाँ का पानी शुद्ध है आप केमिकल जो छोटे छोटे जो कोल्ड ड्रिंक के जो छोटे छोटे फैक्ट्री वहीं लगवा दो इनके माध्यम से इनको परमिशन दो इनको वहाँ पानी निकाल के वहाँ लगाने की इजाज़त दो और वो बहुत दूर दूर उनको भेजने की जरूरत नहीं है उसमें बेचने की पर्वतीय क्षेत्र में इतने यात्री आते हैं पंक्ति जी आप ये सॉफ्ट ड्रिंक की बात करना चाहो कि ये वहाँ अगर छोटी छोटी फैक्ट्री लगाई जाए तो क्या पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा उत्तराखंड में हाँ जी इन बारी बताऊंगा जी जी जो मिनरल वाटर डिमांड विश्व में सबसे ज्यादा जी जी मतलब अगर कोई भी मिनरल वाटर सबसे धनी छो भारे हम मतलब जत का पानी हम मच ना कई मनी सारे भारत हम गंगा जन नदी चम्मा जय का पानी में कीड़ा नहीं पड़ता नेचुरल मिनरल वाटर हम जो हमारा छछड़ा होती जो जगह जगह पानी नेचुरल रिसोर्स नहीं ना हिमाचल सरकार मालूम की काया वो अपने लड़कों को वो टेप करी ना और वो की एक बोतल 5-स्टार होटल में 500 रुपये में बिकत लेकिन हमारे सरकारों की मुहारा कि बिल्कुल मतलब वो यू चीजों पर ध्यान नहीं देनी चाह कि ये के चीज देखो पांच जी कन बता दिया पांच जी ठाक बोल की भाई पानी पानी इन चीज चेख की जो जन ओ मोदी जी आया छाया और वो के बोल छायु पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी तब हम बोल भाई मोदी जी अभी 6-7 साल हुए गिन तो मैं ये बोले हूँ लेकिन अब आ गया वक्त भारे मोदी जी अब पीठ न करिया अब आ गया वो वक्त छुआरा आएगी वापिस अपनी नौकर चाकर छोड़ी काला जी वापिस उनके कला
कखे ढूंगों पर कपाल फोड़ू ला उड़की कन्नू फिर वो क्या कारण उदंड बनला और बगल हम नेपाल चा चीन चा माओवादी पर जालत क्यों आलू और सीमांत क्षेत्र पर समरू यान बोधी जी ध्यान नीण पुआड़लू ये रण बाघरो का भाई छीना यू का भाई बॉर्डर में रहना छीना और वो अगर नी वो देखा कि हमारे भाई दुखी चा अनएम्प्लॉयड चा खाना नहीं मिलनु चा तो वो कार सैकल ये दे सैक रक्षा निकल रक्षा यहाँ ला यू था कि ये जो संसाधन थी ना आप ही देखा साहब वह बगोर जी आप रामदेव जी से देखा क्यों बड़ोरपति खरपति बन गई ये पहाड़ा भूता वो मिनरल वाटर गंगा बटे मिनरल गंगा को पानी वो बेचना थी अरे कन मुआ रे सरकार हम किला नहीं बेचना चाहवा हम किला नहीं करना चाहो जड़ी बूटी को प्रयोग जो एक ये कन जो रामदेव हम तो क्यों आए भाई सिंह ताली मीन पुल बनु छायु जय पुल ला कुमा गढ़वाल जुड़नु छाय सिंह ताली की जरस भी जिससे के सुले वो ब्यासी और ब्यासी अग्रे जरस अग्रे जाग सिंह ताली छा और गंगा में पुल बनाना छाया और वह बटे सीधा हम चौंद कोट होगी या ये मुख्यमंत्री जी गांव भी वो सतपुली भी और वो ब्यास घाट जय ब्यास घाट ला जय ब्यास जिल हमर ये आध्यात्मिक जमी वो चमर उत्तराखंड आध्यात्मिक धरती देव भूमि चा और वो देवतों ज्ञान कहल जाया वो ब्यास जिल और वो ब्यास घाट का हम चा जख हम गंगा को ओम सोपीण गंगा च और पांगती जिला ये वो ब्यास घाट भी गया पांगती जी जब यख वो हुआ कमिश्नर पौड़ी मा वो भाई मुख्यमंत्री से भी मिली कि भाई खबरदार ये पुल था बन दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट पुल के लगे पांगी जिला खंडूरी जी जब सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था तब ये पुलों की जिगर कर रहा था और जब मुख्यमंत्री बनी खंडूरी जी था याद था वो यो प्रोजेक्ट में डाल दिया और वहां के बाद वो एक नंबर अब आया और वर्ल्ड बैंक बटे पैसा भी होगी तबरी एक माफिया खुने की वे लही कहला मुख्यमंत्री से पता भी लोग बला अब पांगी जी बता ला ओ वे लही ओ जयला मनमनी त्रिपाठी खुने ए जा तू सब लोग डाउन में फंसा सी सब रूणा सी ना और वे थे भिजलू चो लुखू दगड़ अमर गढ़वाल अरे कोरोना लिया दू था क्यों दू गढ़ दू कक वो ऐसे अधिकारी थे हमारे पांडी जी थे जरूर पूछा हूँ कि वे सिंताली के वालू और कुछ है हो जब जय जब कोरोना को वो पड़ी उछाई बजर उबरी भी मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में गए और पांडी जी वक राम नारा लगाना इतना बड़ी अधिकारी और यू तो पुलिस पकड़ी ली वक सिमताली पुल 23-24 गांव को फायदा होने चो और यो जो देव प्रयाग को जो रास्ता थे ये पूर्व कुमाऊं थे जोड़ा लो और तुम्हारा ये सतपुली वगैरह थे जोड़ा लो ये पुल सैंक्शन हुए गए चाहे फिर कैंसिल हुए गए चाहे ये के बारे में आपको जानकारी दे ला हमारी जनता थे कि आखिर का किले शुरू आए और किले खत्म हुआ हुआ ये खंडूरी जी को तो हम धन्यवाद देंगे उन्होंने मुझे किसी के माध्यम से डायरेक्टली बात नहीं होती किसी के माध्यम से मुझे कहलवाया कि भाई तो आपने बहुत अच्छा योजना पर प्रस्ताव दिया लेकिन आप दौड़ देर कर दिया आपने अब मेरा तो कार्यकाल समाप्त होने वाला है लेकिन उन्होंने फिर मुझे उनके कार्यालय से सूचना मिल गई थी वो अपने कार्यकाल में तो शायद नहीं कर पाएंगे लेकिन जाते जाते ये इंश्योर कर लेंगे कि ये कभी न कभी स्वीकृत होकर बनेगा वो चलते 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 अब उसका आया था फाइनल हो गया था कि मार्च के महीने में इसका टेंडर फ्लोट होना था और वो उस जगह पे बनना था जहाँ एक साबरा करके एक व्यक्ति है उसका वहाँ एक रिजॉर्ट है उस रिजॉर्ट के बगल से बनना था उसके कहने पर उस पुल को निरस्त कर दिया गया और 20 मार्च में उस साबरा जो एक माफिया है उसका वहाँ पर एक शिलान्यास का बकायदा समारोह मनाया गया बकायदा उसका निमंत्रण पत्र भेजे गए वो लोगों को और वहाँ हम गए उनका विरोध करने के लिए नहीं होना चाहिए कैसे आप एक तरफ 11 तारीख को महामारी 11 मार्च को महामारी घोषित हो गई थी एक जगह पर 50 आदमी से ज़्यादा एकत्र होने की इजाज़त नहीं थी फिर इन्होंने वहाँ पर ये समारोह करने की इजाज़त कैसे दे दी हम गए वहाँ विरोध करने के लिए हमने देखा वहाँ कम से कम 150 तो पुलिसकर्मी थे 50 आदमी तो आप छोड़िए 150 तो पुलिसकर्मी थे और जिन्हें कितने लोग आमंत्रित थे वो आए और खुद मुख्यमंत्री सरकारी हेलीकॉप्टर लेके उसका उद्घाटन करके अपने ही आदेश का उल्लंघन किया वहाँ और ये जो निर्णय जो पुल का जो निर्णय लिया गया था पुल वहाँ से हटाने का ये निर्णय लेने के लिए जो शासनादेश जारी हुआ उसमें जिस अधिकारी के हस्ताक्षर थे वो निर्णय लिया गया वही उसी अधिकारी ने जो आजकल ये
अमन मणि त्रिपाठी का आया सिलसिला है उसी का नाम आ रहा है और उसको गले से लगा रखा मकनंद, उसके बिना एक कर्म नहीं चलता है। तो ये जो है बहुत दुखदायी चीज है। अगर हम जो नहीं बोलेंगे इसके बारे में, मीडिया का तो मुंह इन्होंने बंद कर रखा है। सिंह टाली से 20 किलोमीटर रोड आगे वहां बनना था ब्यास घाट में, ब्यास घाट से आगे सड़कें बनी हुई हैं और वो सड़कें बन के आज उन सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है, उनको तो वाइडनिंग करा के कहीं कहीं रीलाइन करके बनाते। तो यहाँ से गढ़वाला कुमाऊँ को जोड़ने का सबसे अच्छा एक मार्ग हो सकता था, बहुत निकट यहाँ से ब्यास घाट, यहाँ से अगर आप जाते हैं 1.5 घंटे में आप ब्यास घाट पहुँच जाते हैं। हमारे उत्तराखंड सरकार में राज्य स्वागत का था। देखो राज्य स्वागत कुछ नहीं चा, नंगी भूखी सरकार च राज्य सरकार जो अपने कर्मचारियों को ने दिया होनी 500 करोड़ लोन लेना चाहिए ना, और तब दिन बल तनखा तो उन्हें रुपए क्यों के गनाया, वो तो बैंक बटे जो बैंक बटे कने आछे बैंक का सारा बना छे, बल बैंक बटे तुम दे लोन दिलो ला वाला सुद्धि गिचक के जाना और तब जाए बल तुम दे उद्योग करोला। थपलिया जी एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूं कि ये जो माइग्रेशन होनो चाहिए टेंपरेरी छे कि परमानेंट छे, मतलब ये हो कि अगर ये लोग पहाड़ जाला तो फिर जनी बीमार ठीक हो जालो, सब कुछ ठीक ठाक हो जालो और देश की गाड़ी पटरी पर जाले, फिर ही उन्हीं बांझ पड़ जाला मर कूड़ और फिर ही वापिस आ जाना। जो हम इन देखना चाहूँ कि कोरोना को जल्दी से रास्ता नहीं मिलू और ये रास्ता ला थोड़ा लंबू खेचना, तो लंबू खेचना जो लुक होते हैं एक रास्ता मिल जा उत्तराखंड में उन वापस के लिए जान भाई, वो कोई वो थोड़ी लियो चो ठेका की शाम उदय बुला लो तो बाद लाला जी आ जाओ वापस, अरे लाला जाए जालो के लिए जब हम उधर अच्छा रास्ता दिखा दू ना। जो वह पंचप्रयाग है गढ़वाल में, उन पंचप्रयागों के सबसे पहला प्रयाग है, पहले प्रयाग ये छठा प्रयाग होना चाहिए। ब्यास ऋषि का आश्रम बना हुआ है ब्यास घाट में, उसमें ब्यास ऋषि का मंदिर वहाँ पर स्थापित है, वो मंदिर आज का नहीं है, वो गुफा वहाँ आज भी जिंदा है जहाँ बैठ के ब्यास ऋषि ने तपस्या की थी कहते हैं, उसमें कुछ लिखा हुआ है लेकिन उसकी पुताई इस तरह से कर दी कि वो दिखने में नहीं आता है। वहाँ पर ब्यास ऋषि का आश्रम बनाए तभी तो आपका पर्यटन के नाम पर आध्यात्मिक पर्यटन की वहाँ नींव तो पड़नी चाहिए। आध्यात्मिक पर्यटन खाली हम बद्रीनाथ केदारनाथ चारधाम यात्रा करके यात्रियों को यहाँ से भगा देते हैं, जबकि यहाँ हर जगह हर संगम में एक तीर्थ है, हर चोटी में एक तीर्थ है, संगम में महादेव जी बैठे हैं, चोटी में देवी बैठी हुई है, तो वहाँ क्यों नहीं ले जाते हैं पर्यटक को? कुछ जो पर्यटक यहाँ 2 दिन के लिए आता है उसको 10 दिन यहाँ रोको, तब इतने जगह जाएगा खर्चा करेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ब्यास घाट तक हमने उसको विकसित नहीं कर पाया। और एक और है कर्णप्रयाग वो जगह है जहाँ कर्ण को सूर्य भगवान ने कर्ज दिया था। आपको कर्ण प्रयाग के नजदीक एक छठवा पीपल नामक जगह है, तो छठ छठ का मतलब होता है सूर्य, छठ पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है उसमें, तो वो सिद्ध करता है बाकायदा आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर कर्ण को कवच मिला था और कर्ण ने फिर वहाँ तपस्या की थी कर्ण प्रयाग, इसलिए उसका नाम कर्ण। लेकिन कर्ण प्रयाग को हम कर्ण के नाम से आज तक विकसित नहीं कर पाए, इतना दानवीर कर्ण जिसने कि अपने अपने शरीर से कवच निकाल के दे दिया, उस व्यक्ति के लिए कोई तीर्थ नहीं बनाया। तो आध्यात्मिक पर्यटन इसी को कहते हैं कि सीधे बद्रीनाथ जाके उनको तप्त कुंड में स्नान करा के भगा दो उनको। तो ये अगर करेंगे तो वहाँ बहुत सारे नवयोग हमारे इन चीज़ों में लग जाएंगे। कोई कर्णप्रयाग में अपना ढाबा चला के काम करेगा, कोई ब्यास घाट को विकसित करके वहाँ एक छोटा मोटा होटल चला लेगा। जो शुरू बटे देखना चाहो बगोड़ जी, चार धाम बटे भैनी आए हम लोग, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, जबकि अभी 5 झील बता की पंचप्रयाग पंच केदार पंच बद्री और वख बटे सुरकंडा अपनी कुंजापुरी चंद्रबदनी ज्वालपा गुजरूगढ़ी, इतका संभावना छिनी है मेरा बाबा, यकीन देवता छिना उन देवताओं का हम आज दिन तक एक्सप्लोर ही काया। जम्मू कश्मीर तो खाली है एक वैष्णो देवी खाड़ी था, छक्के खाड़ी वैष्णो देवी को नहीं जान दू और हमारे देवी अकेला खड़ी जी दारू हम कन्नी में छोड़ रहो जो हम कभी ऊक तरम देकर ऊक प्रचार नहीं कर हम जगह जगह और इन शक्ति रूपेण छी ना कि अगर ऊकी थे अगर ऊ बा कोई भी इन बोल देवा कि लेकिन मी था याद जब हम छोटा छाए ना तो वह जब हमारा ओ बुजुर्ग जान छाए विश्व युद्ध यो भी विश्व युद्ध छा और जब विश्व युद्ध जे यहाँ छाया तो हम बोल छा ये जो अल्पा जब वापिस आल त्यार बोगते मल्ला अरे वो आ जान छा वापिस आज भी पूछ ले अपन बुढ़ बुढ़ियों माँ कि वो ताकत छाए हमारे देवी देवतों माँ
जो ये मतलब आध्यात्मिक धरती है जो पांगती झील वाला यहाँ इन शक्ति चा कि आप कमलेश्वर महादेव देखा खड़ा दिया कर दी ना अर्थ बच्चा हो जनी कोटेश्वर महादेव हम पूजा कर दी ना लुको बाल बच्चा हो जनी जब 40 वर्ष मतलब व्यक्तिगत गिणा दी उनमें कतको थी हमर कबिल तक का तीन रोते ले की जो कुल कुल देवी छे दीवा जी हां और कख कख पूजन वो अरे बाबा अब बांग बैं बुनो छो ना यहां ले तो नौ जिलों में कखी कोरोना नहीं आ सकनु चा कोरोना मारी भी जो चा वो कारी को अवतार की जब एक रंग मंद हो गया ये खा तो यूं देव तो कोई प्रकोप चा ये देवी आपता चा जेल सिर्फ विश्व तेज नैस कर दिया अगर ये लोग अधर्मी लोग हमार मती राज कर ला तो हम नहीं मना जब तक जब आप देव नहीं हमारे राम नाम के लिए वो ये लिखो चाहे राम राज्य यू जो दो आया अच्छी अब हमारे राज कन्नड़ को यू विल बी बाल साहब राम राज्य लोला कन राम राज्य लो रहे तुम ऊपर राम राज्य रामचरित मानस हम लिखो चाह दैहिक दैविक भौतिक तापा ये जो तीन जितना दुनिया में बीमार हुई ना दैहिक दैविक भौतिक तापा तीन तरह का होंगे ना और ये राम राज्य कहीं राम राज्य में कहीं भी व्याप्त नहीं थे ये तीनों लेकिन आज हम इन तीनों से पीड़ित हैं और बड़ी मुश्किल हो गया कि ये दैवी आपदा भी आज हमारे बेचैन कर जाना अरे हम तो जियो ला लेकिन हमारे बच्चों के वालू यान हम बे बद्रीनाथ हे केदारनाथ हम त्यारा सारा छवा कि यूं अधर्म को नाश करते हुए धर्म को बचाओ और उत्तराखंड में किसी भी तरह से इसको कोरोना का कोई असर ना पड़े मैं गरीब बच्चा आना चाहिए जगह जगह बैठे की उधर सुख शांति लिया यखा ये हम प्रार्थना कर दवा और जब तक वालू तो भाई भगोर जी तुम्हारी चिंता तुम्हारे जो गौ गुठियार से अमर रहे इतका भगवान हम अपन गांव देखना चाहो तुम हमर याद रखी जिंदा रखी तापल आज सब दुनिया में फैले तुम्हारे जुगराज रह जाए भगोर जी आप जुगराज रह जाए आप कभी भी नहीं दयाखू आप वैभव नहीं दयाखू आप कोई राज्य मंत्री आप सब जो तक नोकमा आप जनता का दगड़ा बिट चलना छवा और आज हम तक को पूछू चा सब तू गोदी मीडिया बढ़ू चा वो तो तुम छवा जो तुम आप ये ढूंढ ढूंढ की लाना चाहो बांधी जी से को पूछ लू ये इतनी सरकार ची कुछ समझ नहीं आंदी मोर जाला लेकिन पांगी जी से अपनी पूछला इन चिन्ह अहंकारी तो अहंकार यू माँ आप ही देखो ना कि मतलब मजदूर मोरगी बगोर जी अरे हमारे देश मजदूर तो छा यार हमारे तो डर बना छा रे वो अर्क 17 बोरी नर कह कर आसुनिया कद कर निर्दयी हो गये हम जबकि हमारे रामायण तुलसीदास जी वाला दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान ए पापियो तुम अभिमान को छोड़ो और धर्म का रास्ता अपनाओ निधि तुम मारे लिए सजा ये जो जत का मजदूर सी पैदा नाना जी कल बच्चा दे रहा जी कल और कल रात का बाप दे अब तो दयालु लोग छो पहाड़ का बच्चों ने लिख आया जी रेल ट्रेक कल वालू वास्तव में बगोर जी निश्चित रूप से धर्म का अपमान हो रहा है जो आज हिंदुत्व हिंदुत्व का नारा दे रहे हैं वो सबसे बड़ा अधर्म करके इस देश की जो समरसता खराब करना चाहिए ना। चलो थपलाल जी आपसे एक बात हम और पूछना चाहो अभी कुछ दिन पहले मोदी जी टेलीविजन पर आया चाहे उन समस्त समस्त देशवासियों को बोला कि आत्मनिर्भर हो जाओ ये आत्मनिर्भरता छके आचार्यों को बुनो को मतलब क्या था आप जरा ये बात स्पष्ट कर सक दो परिभाषा बता सकते हो की बात की भाई आत्मनिर्भरता के लिए वालू ने एक परिभाषा क्या बिल्कुल भी बता सकते हो कि कोरोना महामारी लुख दी राम याद रहे थी कोरोना महामारी से पहली हमर सरकार केंद्र सरकार रिजर्व बैंक को रिजर्व ख्याल से कद का भागीना बड़ा बड़ा गवर्नर भागी आरबीआई का यूं अपन गुजराती गवर्नर भी राखो वो भी भाग गया बिचोर वेल बाल म्याल बसोनी रे म्याल बसोनी यूं रिजर्व खाए यूं बिल्कुल रसा तलम लीगी ना और वहां के बाद यूं का भाग्यला कोरोना पड़ गया और अब बोला जी कोरोना गायब लिया अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था इतका ताल चल गया कि वो बुलाण मुश्किल हो गया भारे कुछ नहीं करना जी कुछ ना तभी तो आप देखनी ट्रेन बोना जी मजदूर मिल जब बात का मस्कट मा मस्कट में लड़का वो लड़का छी जो हमारे पहाड़ का वो बोना जी साहब हम 12,000 में अच्छा एक मस्कट जब नौकरी करो का अच्छा आज 25,000 मंगना जी बल कोई सुनना है नहीं कल सुनना है अरे अगर चुपड़ी 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 बात करना चाहिए ना तभी तो बोला कि आत्मनिर्भर हुआ तुम बल हम तो गाया अरे
आत्मनिर्भर सोचा हो तुम डंडे दिन उन्हें हम तुम इन कानून बनाई दी ना कि बताओ ये मेरा बब्बा तुम बाल भित्र गुटो हम भित्र बैठे आ चो तुम आत्मनिर्भर बन जाओ क्या बढ़िया छो तुम हमारे मत राजा भाई क्या बैठे छो सलमानी चाहिए आत्मनिर्भर मतलब बहुत मुश्किल हो गया जीवन बहुत मुश्किल हो गया मतलब मजदूर को हालत देना चाहे अगर वो दिन 24 तारीख मार्च खुड़ेगी जरा 5-6 दिन दे दिन तक तुम तो तुम्हारे अरबों रुपए पर जाऊंग मालूम जो ये लानम लगना चाहिए सभ्य राज्य सरकार पर शर्म मार बोलो भी नहीं कोई डरो कि लेकिन जीएसटी रोकी जीएसटी नहीं दूनू अरे तो भाई हाथ दे गया हमारे बोनो कई लोग नाराज हो दी हमारे प्रधानमंत्री खुड़े तू इन मनुष्य अरे मेरे बाल भाई हम क्या खुड़े बोना क्या खुड़े बोल भाई हम वो तो बोना चाहे तो बहुत मुश्किल हो गया बंद पढ़ना कि जब तुम बोला कि भी मतलब ये कर लू वो कर लू ये कर लू भी तो चौकीदारी कर लू क्या चौकीदार का नाम सो तुम कुछ भी ना पांगती जी आप शासन प्रशासन में रहे छो आप कमिश्नर साहब आप डीएम रहो आप एसडीएम रहो आप थे बात की कुछ जानकारी हुई ली कि प्रावधान क्या है अगर भाई दबे ये लोग कुछ रोजगार कर जाना कुछ फैक्ट्री लगाना चाहना चाहिए या कुछ भी काम कुछ कंपनी खोल जाना चाहिए कुछ बिजनेस कर जाना चाहिए तो वे माँ जो सर्टिफिकेट च और जो रजिस्ट्रेशन च वे की प्रक्रिया क्या है और कन होनी चाहिए व्यवस्था ऐसा है ये कोई भी शासन प्रशासन को अगर आसान बनाना है मतलब लोगों को आसानी से परमिट मिल जाए और उनके कार्य को आगे बढ़ने के लिए स्वीकृति लेने के लिए नजदीकी कोई प्राधिकारी हो जिससे वो ले सके जी जी तभी आदमी वहाँ के नवयुवक आगे आ सकते हैं हम एक नवयुवक को चमोली में बैठा हुआ नवयुवक को हम ये नहीं कह सकते हैं कि तुम अपना एक छोटा सा एक सीमेंट फैक्ट्री के सीमेंट ब्लॉक की एक छोटा सा यूनिट लगाने के लिए परमिट लेने के लिए देहरादून जाओ वो बेचारा वहाँ से आएगा यहाँ उसको कोई अधिकारी तक नहीं मिलेगा जो कि उससे बात कर सके लेकिन यही व्यवस्था और जिले में ब्लॉक में या गांव में हो जाए कि भाई उस नौजवान को अपने गांव में एक छोटे नाले में से कुछ सीमेंट ब्लॉक की फैक्ट्री लगाने की कोई इजाज़त मिल जाए वहाँ और उसके परमिशन लेने के लिए वहीं ब्लॉक में या वहाँ तहसील में या अधिक से अधिक जिले में उसको व्यवस्था हो जाए तो ये व्यवस्था होनी चाहिए और संविधान के 73वां संशोधन में ये स्वीकृति मिली हुई है अगर राज्य सरकार चाहे तो गांव के पंचायतों को जिला पंचायत को क्षेत्र पंचायत को ये अधिकार दिया जा सकता है ये अधिकार दें ताकि वहाँ के नवयुवकों को तुरंत वहाँ पर सुविधा मिल जाए परमिट मिल जाए ताकि वहीं पर वो अपनी परमिशन ले वहीं से उसको बिक्री के लिए जो परमिशन चाहिए उसको उसका जो रजिस्ट्रेशन जो है वहीं जिले में हो जाए या पंचायत में हो जाए गाँव पंचायत नहीं तो क्षेत्र पंचायत में हो जाए तो आसानी से आगे बढ़ के काम करता है वरना वो यहाँ देहरादून के गलियारे में घूमते घूमते कभी विधायक के पीछे किसी अधिकारी के पीछे भागते भागते वो निराश होकर वापस चले जाते हैं एक तो ये व्यवस्था होनी चाहिए जो संविधान अलाउ करता है संविधान उसकी अनुमति देता है 73वां संशोधन के अनुसार शेड्यूल 11 के जो विषय हैं उसको गांव पंचायत को प्राधिकृत कर दें लेकिन ये आज तक नहीं किया गया जड़ी बूटी खोदने की परमिशन चाहिए उसको तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के DFO से लिए कहाँ कहाँ उसको परमिशन के दौड़ना पड़ता है तब जाके कुछ उसको मिल पाता है अरे वो ब्लॉक में ब्लॉक पंचायत में अधिकार दे तो एक फॉरेस्ट के अधिकारी को आप ब्लॉक पंचायत में रख दो आखिर वो कितना खोदेगा कुछ जंगल जाएगा कुछ जड़ी बूटी खोद के लाएगा उसका बेचेगा उसको लेकिन नहीं वो चक्कर लगाएगा DFO साहब कहाँ गए दिल्ली गए DFO साहब कहाँ गए मीटिंग में गए वो चक्कर लगाते लगाते निराश हो गए गाँव का जो नौजवान है वापस चला जाता है तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो संविधान जिसको जिसकी इजाजत देता है छपला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपन ये डिबेट में भाग ले और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपन हमते देनी हमारे जनता थे देनी और उम्मीद ची कि आपको जो जोश जनता तक पहुँच लो और जनता अपनी आवाज लेके सरकार का समझ जाली और इन सिंह सरकार ते फिर से भिजेली मैं बोलू कि मतलब वही पुरानू मी जब मैं घूम छो ना साहब तो बड़ा बुढ़े लोग बोलते कि प्रकाश वो पुरानू पुरानू दादा भुलोंग संस्कृति लौटा दे रे जब हम एक दूसरे बहुत पंचायत में खड़ा हो छाया गाँव हमारे भरिया नहीं छाया और जब हमारे परिचय हो छायु हम परिचय कंदीन छाया साग सगवड़ा जख हर भारू चारू पटी मवल सुमा मैणा गौच म्यारू और कल चु गौ हम वही गौ थे लौटक वास्तव बगोड़ जी आप हम सब लोग विश्व जी पांगती जी जितका भी लोग छिना हम काम करला भारे हम काम करला आप से हम तो विश्वास कर चाहिए।
हम लोग जो सामाजिक संगठन छे ना, हम जो पूर्व सैनिक छ, जो बड़ा बड़ा अधिकारी रिटायर हुआ छे ना, ऊ थे विश्वास लीड भारे यू छोरों को कारा बलू, यू छोरों बलू कैल निकल रे निकल निकल निथिरी बहुत मुश्किल हो जालू। और मैं मतलब जगह जगह जाके हम जोला पहाड़ जोला और अपन पहाड़ थे हम सवलना, हम अगर हम मरवाला पहाड़ों को खून तो हम संभाला। आप चिंता अब बगौर जी आम जन लोग चढ़ना चाहिए, आप जन लोग हमारे बहुत बड़ो हौसला बुलंदी ना कि आप जो लग्या छो ना मिन कब बड़े दया मिल हे भगवान। बस बाकी ना जय ज्वालपा जय बद्री जय केदार जय भगवान जय भारत जय उत्तराखंड साहब नमो उत्तराखंड की जनता को नमो। पंक्ति जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन डिबेट में भाग ले, बहुत कीमती समय चाहे आपको लेकिन फिर भी आपन हमते समय जाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो भाई बहनों आपने पूरी चर्चा सुनी और उम्मीद से कि आप लोगों का समझ में आएगी होली की फिर उत्तराखंड की दशा क्या है। कथका बड़ो दुर्भाग्य चाह मोरू की जब हम ये बड़े चलिए छाई पलायन कह रही की वो भी एक समस्या चाहिए, और अब अगर हम वापिस आना चाहो तो भी एक समस्या चाहिए। और समस्या ईच कि भैया वो बाजा पुणों पर हम उनके कन उनके फर्टिलाइज कन के कन इसका बड़ा बड़ा डाल जमिया छिन के तुम ते परमिशन मिले ली। यह है कि बेशक आप लोग बुद्धिमान हुए कहें चो, आप बहुत कुछ सीखे कहें चो, लेकिन क्या आप थे वो जो भी आप सीखे गया चो कि सरकार की तरफ से आपसे परमिशन मिले ली, आपको कंपनी अगर खुल लिया तो वे को रजिस्ट्रेशन मिल लू क्या कर लिया, यो एक सवाल एक बड़ो सवाल छ। लेकिन हाँ ये तो समाधान आज के ये डिबेट करी की तो हम ते मिल आई कि भैया सरकार का पास तो कुछ नहीं छे, सरकार को मुख नहीं दिखा जो भी कन आप लोगों नहीं कन और आप लोगों का ही हाथों पर उत्तराखंड को भविष्य छ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।